हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं गणपति बप्पा की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस हैं। ठीक है, ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है गाइस। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो, पर ये बात श्योर है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मैसेज गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं उतनी ही दीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी रीडिंग्स आप जब भी देखते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही देखा कीजिए। ठीक है, तभी आप यहाँ से मैसेजेस रिसीव कर पाओगे, गाइडेंस को फॉलो कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। 4-5 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको, गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद आपको गणपति बप्पा से आपको प्रार्थना करनी है, या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें, वो आपको इस समय क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अभी की सिचुएशन को लेकर के वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, क्या गाइड करना चाहते हैं। और आपको ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर डाउट नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन पर यकीन करना है, अपने दिल की आवाज़ पर, दिल की आवाज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे वो आपके किसी भी एरिया के लिए हो सकते हैं, वो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम गंग गणपते नमः, गणपति बप्पा मोरियम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय माता। गणपति बप्पा प्लीज बताएं, जितने भी आपके बच्चे पाइसेस मीन राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या आ रहा है, प्लीज बताएं पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइसेस मीन राशि। अ पर्सनल इशू रिचेज रेजोल्यूशन, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। A fiery climax approaches, okay. Okay, work through your fear. Bottom of the deck bhi tha. पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे, देन मैं आपको मैसेज दूंगी। ओके, थैंक यू पापा, प्लीज़ बताएं आपके बच्चों के लिए पाइसेस मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, क्या आप उन्हें कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए पाइसेस मीन राशि। Archangel Jophiel, beauty, wisdom, creativity and love. Eight of Cups. Don't blame yourself. Okay. यहाँ पर bottom of the deck you are good enough भी है। हाँ हाँ, okay. Visit that holy place, okay. Honor the deity around you, prayer offering help. Lapis lazuli, life changing epiphany or experience. It's a time of big and blessed change for you, and God is supporting you each step of the way. Okay. Four of Swords. Hmm.
एस ऑफ वॉन्ड, हायरोफेंट, टावर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, डेथ. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट, स्टिल लेंस. ओके माय डियर पाइसेस, फॉर श्योर यहाँ पर कुछ तो इशू चल रहा है आपका, खासकर रिश्तों को लेकर के, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर के पर्सनल इशू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है. तो गणपति बप्पा सबसे पहला मैसेज तो आपको यही दे रहे हैं कि चीज़ें हील हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. तो आप इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता ना करें इस वक्त में. ओके, जिस भी प्रॉब्लम में आप अभी स्टक हो, वो चीज़ें उनमें इम्प्रूवमेंट होगा. ओके, अभी ये इम्प्रूवमेंट की और ठीक होने की जो मैं बात कर रही हूँ, इन चीज़ों को ऑलवेज़ आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए. यहाँ पर मैं किसी भी टॉक्सिक रिश्ते की बात नहीं कर रही हूँ, टॉक्सिक सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ. हील होने का, ठीक होने का मतलब है कि जो कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है, आपके हाइएस्ट गुड के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं. ये कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, रिश्ते हो सकते हैं, करियर पाथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी. और जो रिश्ते या फिर जो सिचुएशंस आपके जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, बेसिकली जो आपको सर्व ही नहीं करते हैं, मैं अगर एक शॉर्टकट वे में बोलूँ, जो आपके लायक ही नहीं है, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दिया जाएगा. ओके, तो आपको इस समय करना क्या है, आपको इस समय अपने अंदर बैलेंस लाना है. आपको इस समय बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है. इस समय आप जितना हो सके डिवाइन ऊर्जा के साथ, ईश्वर के साथ, यूनिवर्स के साथ, गणपति बप्पा के साथ, या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बेसिकली बिलीव करते हैं, उनके साथ अपने कनेक्शन को और स्ट्रांग बना दीजिए. ठीक है, क्योंकि और स्ट्रांग बनाने का मतलब क्या है कि वो आपको इस मूवमेंट पर वो पावर देंगे. क्योंकि डेफिनेटली आने वाले समय में ना, अभी अभी जो है अमावस्या गई है, तो मैं पूर्णिमा के टाइम पर देख रही हूँ, फुल मून के टाइम पर यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके सामने आएगा. मतलब कुछ किसी की सच्चाई आ सकती है, या फिर मतलब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. मे बी आप किसी रिश्ते या किसी सिचुएशन में अभी, जिसे कहते हैं ना कि एक हाइड एंड सीक हो रहा है, एक छुपन छुपाई चल रही है, अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर आप किसी को कुछ अलग समझ रहे हो, वो पर्सन कुछ अलग हो सकता है. ये एनर्जीज जो है अच्छी और बुरी दोनों तरीके से हो सकती है, कि आप किसी को अच्छा समझ रहे हो वो बुरा हो सकता है, या बुरा समझ रहे हो वो अच्छा हो सकता है. तो कहने का मतलब कुछ आपके सामने आने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके सामने आने वाला है. एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, खासकर ये कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती है जिससे आप थोड़ा डर रहे हो. ठीक है, जिससे आपको थोड़ा फियर है, क्योंकि यहाँ पर उस एनर्जीज को आप फेस कर सकते हो. तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अब वक्त है, तो आप अपने अंदर ना बैलेंस लेकर आओ. अब आपको उन एनर्जीज से फेस टू फेस होना है. मे बी यहाँ पर बेसिकली क्या है, सच्चाई आपके सामने आएगी, गलत फहमियाँ दूर होंगी. जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो अभी, इस लाइफ टाइम, मतलब इस अभी की ऊर्जा में, वहाँ से आपको जो है डिवाइन बाहर निकालेंगे. क्योंकि यहाँ पर ना आप भी अपने जीवन में कुछ एक नया शुरू करना चाहते हो. ये आपके करियर पाथ को लेकर के भी हो सकता है, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी हो सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी हो सकता है, या फिर ये आपकी ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पर आप चाहते तो हो, लेकिन कुछ यहाँ पर इश्यूज़ हैं, कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है. विद द हायरोफेंट एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ अभी, जैसे कि आप सॉल्यूशन चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, वो आपको यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रही है. तो आप
वो डिवाइन से ना वो एक मांग कर रहे हो आप पाइसेस कि मुझे इस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो या फिर जहाँ पर भी आप आगे बढ़ना चाहते हो ना, अब वहाँ पर उनसे क्लैरिटी मांग रहे हो कि मुझे सही पाथ दिखाओ, मुझे क्या इस समय में, इस सिचुएशन में मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे क्या करना है, प्लीज़ मुझे वो दिखाइए, मुझे वो पाथ दिखाइए। वो एनर्जीज में आप लोगों की यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। रिसेंट पास्ट में मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ यहाँ पर टावर की ऊर्जा, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में हुआ है। ये रिश्ते को लेकर के हो सकता है, जॉब को लेकर के हो सकता है, आपके अंदर आपकी ऊर्जा को लेकर के कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ टावर की ऊर्जा आपकी लाइफ में आई है जिसने आपके थॉट्स को, आपकी सोच को पूरा बदल करके रख दिया। लेकिन जिसने, मैं कहूँगी रीसेंट पास्ट में कुछ आपके जीवन में पाइसेस ऐसा घटा है, कुछ टावर एनर्जीज कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में हुआ है जो आपने नहीं सोचा था, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, ठीक है। और अब जो है कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में हो, आप अपने अंदर ना वो क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हो। लेकिन अगर मैं आगे की बात करूँ आपकी, तो आप जैसे कि अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे हो, आप पास्ट की ऊर्जा से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप अपने दायरे को छोड़ नहीं रहे हो, आप उससे बाहर आ नहीं पा रहे हो। लेकिन डिवाइन यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप उससे बाहर आए, उस सिचुएशन को ख़त्म करें, ठीक है। ये आपको बहुत समझने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि यहाँ पे लाइफ चेंजिंग एपिफनी का कार्ड है यहाँ पर। तो जो भी कुछ आपके जीवन में हुआ है ना, सबसे पहली बात तो पाइसेस अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दो। जो भी कुछ बदलाव या कुछ आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अभी रिसेंट पास्ट में भी, या कुछ लोगों की लाइफ में अभी घटित हो भी रहा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपको सबसे, अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को पाइसेस ब्लेम कर रहे हो, तो गणपति बप्पा आपको यही बोल रहे हैं, प्लीज़ अपने आप को ब्लेम करना यहाँ पर बंद कर दो, क्योंकि ये होना ज़रूरी था, ये डिवाइन की मर्जी से हुआ है और ये आपकी बेहतरी के लिए हुआ है। कुछ चीज़ों की, कुछ सिचुएशन की सच्चाई आपको बताना ज़रूरी थी। मे बी कहीं आप अपने आप को फिक्स समझ रहे थे, कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि किसी इसी रिश्ते में मेरी स्टेबिलिटी मुझे मिल जाएगी, या फिर ये पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइन ने आपकी आँखें खोली हैं, आपको बताया कि नो, दिस इज़ नॉट परमानेंट, ओके, दिस इज़ नॉट फिक्स। तो आपको यहाँ से कुछ बदलना है, आपको किसी और राह की तरफ जाना है, आपको कुछ और सोचना है, तो वहाँ आपको दिखाया गया है। तो उस सिचुएशन में आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, बस आपको, जिसे कहते हैं ना, क्लैरिटी दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको उस बेसिस पर एक्शन लेना है। लेकिन अगेन, आप अभी तो ऐसा सोच रहे हो कि ओके, मेरे को जो पाथ दिखा रहे हैं मैं उस तरफ चलूँ, या मुझे कुछ अदर एक्शन या फिर अदर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, इन चीज़ों के ऊपर आप विचार कर रहे हो, आप स्ट्रांग बन रहे हो। इस समय मैं ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप थोड़ा ना, मतलब जिसे कहते हैं क्लियर कम्युनिकेट करना, जो दिल में है वो मुंह पे होना, एक रूड एनर्जीज में टैप इन करना, ये जो भी टावर की ऊर्जा आपके साथ हुई है ना, इसने थोड़ा सा आपको रूड कर दिया है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है। जहाँ आप डायरेक्टली कुछ अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स नहीं भी बोल पा रहे थे ना, वहाँ आप क्लियर कम्युनिकेट कर रहे हो कि ठीक है, अब ये नहीं तो कुछ भी नहीं, समझ रहे हो। तो वो वाली एनर्जीज में आप अभी टैप इन किए हुए हो यहाँ पर। और लेकिन आने वाले समय में अगेन फिर मुझे यही लग रहा है ना कि आप लोग जो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ रहे हो, आप फिर से अपनी फीलिंग्स दबा रहे हो, फिर से उसी पास की ऊर्जा में, फिर से उसी साइकिल में आप घूम रहे हो। तो यहाँ पर गणपति बप्पा यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ अब ये वक्त है कि आगे बढ़ने का, अब ये वक्त है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने का, अब ये वक्त है अपने कंफर्ट जोन को, जहाँ पर आप आराम फरमा रहे हो, कहने का मतलब जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, यहाँ मैं जो अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक, जिसे कहते हैं ना कि ये इसकी मुझे आदत है बेसिकली, ठीक है। तो चेंज लाने से हर कोई डरता है, पता नहीं वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, वहाँ पर मुझे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, मुझे मेरे रूटीन में क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, मैं सेट हो पाऊंगा कि यहाँ पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, तो ऐसे थॉट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपने अंदर पहले तो बैलेंस लाओ। इस समय ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है किसी पवित्र जगह पर विजिट करना, किसी हॉली प्लेस पर, अभी ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, चर्च, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर, या फिर कोई स्पेसिफिकली कोई गुरु का स्थान आपके जीवन में हो सकता है, उनकी जगह कोई हो सकती है, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ जाइए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, वहाँ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, वहाँ आपको आंसर्स मिलेंगे, वहाँ आपका मन शांत होगा। और आपको बोला जा रहा है जो आपके आसपास जो डीटीज़ हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं,
ओके उनके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना, ठीक है, उनसे प्रार्थना करनी, उनको कहना कि वो आपको सिचुएशन से बाहर निकालें, आपको सही रास्ता दिखाएं, ठीक है, उनको ऑफर करना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि ऑफरिंग करना बेसिकली उनको, जो भी आपके रिचुअल्स में बेसिकली होता है, जैसे कि हम एंसेस्टर्स को ऑफर करते हैं, डिवाइन ऊर्जाज को ऑफर करते हैं, आपके लाइफ आपके केस में क्या होता है वो आप देखिएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आपकी मदद फॉर श्योर करेंगे, ठीक है। ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है पाइसेस कि आपको अपनी जगह को छोड़ना है, लेकिन आप चिपके हुए हो, ठीक है, फेविकोल की तरह चिपके हुए हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है उठो वहाँ से, आपको ऐसा बोला जा रहा है कि अब यहाँ से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, आप ना इमोशनली अभी वहीं हों, ओके, इमोशनली अभी उसी स्थान पर हो, आपको वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो, आपके मन में तो आ रहा है कि ओके ये जो हो चुका है ना वो हो चुका है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बट फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना आप एक ब्लेम गेम में आ जाते हो, कहने का मतलब आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम ऐसा करोगे या तुम ऐसा डिसीजन लोगे या तुम ऐसा डिसीजन लोगी तो तुम गुनहगार हो इसमें, ठीक है, तुम्हारी गलती है इस चीज़ में, तो आपको बोला जा रहा है इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, ओके, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ। ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना पाइसेस गणपति बप्पा ये बता रहे हैं कि जैसे कि आपको जीवन में ना जीवन की सच्चाई यहाँ पर सामने पता चल रही है और अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, कुछ यहाँ पर एपिफनीज आपको एक्सपीरियंस आप करोगे, ठीक है, कुछ आप लाइफ चेंजिंग एपिफनीज आप यहाँ पर चेंज करने वाले हो, जो कि आपका दुनिया को, अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को देखने का नज़रिया पूरा बदल देगा, ओके, और ये जो भी कुछ हो रहा है ना ये आपके बुरे के लिए नहीं हो रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो जो भी डिसीजन बनाएं अपने इंट्यूशन के बेसिस पर बनाएं, डेफिनेटली ये एक्शंस आपको थोड़ा ऐसा लगेगा, देखो ये नई शुरुआत, ये कुछ नया डायरेक्शन, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब मैं कैसे हैंडल करूँगा, लेकिन डेफिनेटली अगर आप हिम्मत रखते हो तो आगे बढ़ते हो तो आपको डेफिनेटली वो बैलेंस मिलेगा, वो अबंडेंस मिलेगी, वो शांति मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपका रास्ता है, ये आपका पाथ है जहाँ आपको लेकर के जाया जा रहा है। एंड प्लीज़ अपने आप को ना कुछ भी बुरा मत बोलो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, गणपति बप्पा आपको ये बोल रहे हैं, आपका दिल बहुत साफ है, ठीक है, तो अपने आप को ब्लेम किसी भी रूप में मत कीजिए, इस समय आपके लिए ये मैसेज है, ओके। Harmony, you deserve to feel good about your existence. Feel good about your life. Enjoy time with friends and do what is necessary to bring yourself in alignment with what you want from the relationships in your life. तो यहाँ पर आपको गणपति बप्पा ये बोल रहे हैं कि आपको खुश होने का हक है, आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, इस जीवन में एग्जिस्ट करते हो, इस रिलीफ में एग्जिस्ट करते हो, तो आपको खुश होने का पूरा हक है। अगर आपको ऐसा लगता है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जीवन में ऑलवेज बुरा ही घटित हुआ है तो प्लीज़ आप कुछ ऐसा अपने जीवन में कीजिए, ऐसे थॉट से बाहर आने की कोशिश कीजिए और आप ऐसा कुछ कीजिए, चाहे आपके आसपास जो लोग हैं, दोस्त हैं या फिर कोई रिश्ते हैं आपके जो आपके साथ अच्छे हैं, उनके साथ फिर से जुड़ना, रिकनेक्ट होना, ताकि आप फिर से अलाइनमेंट में आ पाओ, ठीक है, जो आपको बेसिकली वो काम करना बेसिकली जो आपको खुश करे, ठीक है, जो आपको अच्छा फील कराए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस मोमेंट पर, गणपति बप्पा यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग, येस योर सॉल इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू, मैंने बोला ना कुछ बड़ा है यहाँ पर, एपिफनीज है यहाँ पर, लाइफ चेंजिंग एपिफनीज है, कुछ अलग ही नज़रिया आपका होने वाला है, तो यहाँ पर आपकी सॉल, आपकी अंतरात्मा जो है आपको कुछ कहना चाह रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है, आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही है, मे बी जिस सिचुएशन में अभी आप डील कर रहे हो उसको हायर पर्सपेक्टिव से देने के बारे में आपको वो बोल समझाने के बारे में आपको बोल रही है, उस सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से आध्यात्मिक रूप से देखने के बारे में आपको बोल रही है, अपने ज्ञान के थ्रू आपको देखने के बारे में बोल रही है, तो प्लीज़ उसको अंडरस्टैंड कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब आप उसको समझोगे कैसे ना, आप उसको समझोगे तभी
जब आप अपने आप से अपने भीतर से कनेक्ट होगे, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्शन की ऊर्जा आ रही है आप लोगों के लिए, जो सॉरी कनेक्शन कह रही हूँ मैं, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो फोकस कीजिए, अपने कंसंट्रेशन को बिल्ड कीजिए, मे बी आपका फोकस हट जाता है। दिस इज़ द टाइम स्टडी लर्निंग, कुछ नया करना, कुछ नया सीखना, ये आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा, ये आपकी वाइब्रेशंस को हाई करने में आपकी मदद करेगा। ओके, यस, हीलिंग की एनर्जीज है आपके लिए। गणपति बप्पा आपको यहाँ पर बता रहे हैं डेफिनेटली चीज़ें हील होंगी, लेकिन आपको भी कुछ अपने जीवन में एंडिंग्स करने की ज़रूरत है। जो चीज़ें, जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो आपको पुल बैक करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, जो आपको नई सोच रखने से, कुछ नया करने से रोकते हैं, जो आपको आपके दिल को फॉलो करने से रोकते हैं, उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का वक्त अब आ गया है। ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो क्योंकि अब वक्त है एक न्यू बिगनिंग का, ये जो आपको एनर्जीज मिल रही है ना अंदर से, जो आपको गाइडेंस आपको मिल रही है, ये यूं ही नहीं मिल रही है, पर आप आगे जा करके थोड़ा, मुझे एनर्जीज़ आपकी ऐसे लग रही है ना कि आप स्टक हो सकते हो, तो प्लीज़ इस तरफ आगे बढ़ो। ओके, इस तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि सच्ची बताऊं यहाँ पर पाइसेस, तो ये एनर्जीज, ये सिचुएशन, ये चेंज, ये बदलाव आपके जीवन में होना ही होना है, आप इसको रोक नहीं सकते हो। अभी अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके अगर आप इसको रिलीज़ कर दोगे, एक न्यू शुरुआत कर दोगे, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ना, ये चीज़ तो होगी ही होगी विद द डेथ कार्ड, ठीक है। ये चीज़ अपने आप से ही होगी, डिवाइन एंट्री करेंगे ही करेंगे। ओके, तो यस माई डियर पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी रेजोनेट करी है आपसे ये रीडिंग। ओके, और गणपति बप्पा को और डिवाइन शक्ति को प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक आप पहुँचा पाए, उनकी मदद कर पाए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।